यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का टोनर ले रही हूँ। उसके बाद मैं गुड वाइब्स का ही फेस सीरम ले रही हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए गार्नियर का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। उसके बाद प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस ये मेकअप फिक्सर ले रही हूँ। ये एज अ मेकअप प्राइमर का भी काम करेगा। तो ये जो मैंने फोटो फोकस वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मेकअप फिक्सर लिया वो मेरे स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो गया है। उसके बाद हम यहाँ ब्रोज फिल करेंगे, तो ब्रोज के लिए मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट और इससे हम अपनी ब्राउज को फिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज को फिल कर लिया है। अब हम अपने मेकअप बेस के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्या कहते हैं वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर और ये ईसा डोरा का ऑरेंज कलर करेक्टर। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर करेक्टर जो अप्लाई कर लेंगे जहाँ जहाँ पर मुझे पिगमेंटेशन है। उसके बाद मैं इसको फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा ऑरेंज कलर करेक्टर इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का लूज पाउडर ले रही हूँ उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेंगे पाउडर ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद मैं अपने बेस मेकअप के लिए सिर्फ कंसीलर का यूज़ करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन या कोई भी बीबी क्रीम नहीं ले रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पर मुझे मतलब जो है कवरेज चाहिए वहाँ वहाँ पर मैं फाउंडेशन का यूज़ करूँगी, सॉरी कंसीलर का यूज़। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया। उसके बाद कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये शुगर कॉस्मेटिक का और स्टिक कॉन्टोर ले रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर की उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये जो भी कॉन्टोरिंग शेड वगैरह था ये मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं वापस से थोड़ा सा कंसीलर जहाँ जहाँ पर मतलब मुझे ज़्यादा कवरेज की नीड लग रही है वहाँ वहाँ पर मैं दोबारा से अप्लाई करूँगी। उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जो भी कंसीलर अप्लाई किया जाए उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और थोड़ा सा मैं अपने
नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी और इसको भी अपने कंसीलर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब इसको सेट करने के लिए मैं लूज़ पाउडर लूँगी और पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं आई बेस के लिए वापस से ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर ले रही हूँ, उसको एज ए आई बेस अपनी आईलिड एरिया पे अप्लाई करूँगी। तो यहाँ ब्रश की हेल्प से मैंने सब कुछ ब्लेंड कर लिया। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से दोबारा से इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसको सेट करने के लिए मैं दोबारा से फिट मी का लूज पाउडर लूँगी। तो मैंने यहाँ मेरा इस सेट मतलब जो है जो मेरा आई बेस है वो अच्छे से सेट हो गया है। और मैं अब आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे आई एम्स्टरडेम की ये लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ एज ए आई शेडो। इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा अपने हैंड के बैक में थोड़ा सा यूँ ले लीजिए। इसके बाद किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आप इसको अपने मतलब जो है सिर्फ ये क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लीजिए। लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने इसको फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो वैसे तो ये जो लिपस्टिक है वो फुली मैट है, फिर भी मेल्ट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम लूज पाउडर से थोड़ा सा लिटिल बिट उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो लूज पाउडर से सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा मतलब नेचुरल फिनिशिंग आ जाती है इसकी। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा ले रही हूँ फेसेस कनाडा का। मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे एक आईलेसेस कर्लर की हेल्प से अपने आईलेसेस को कर्ल कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईलेसेस को अच्छे से कर्ल कर लिया है। अब उसके बाद मैं ये मस्कारा अप्लाई करूँगी अपनी अपर और लोअर दोनों लैसेस पे। तो यहाँ पे मस्कारा मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं अपने फेस मेकअप में। तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे सेम लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ और उसको थोड़ा सा लिटिल बिट अपने फेस पे टीनी मिनी अमाउंट से उसको हैंड से ही ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसा बहुत ज़्यादा पिंक पिंक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद सेम लूज पाउडर की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल नेचुरल लुक में आ गया है। उसके बाद हम सेम लिपस्टिक को अपने लिप्स पे अप्लाई करेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे हाइलाइटर के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर लिया था। तो फ्रेंड्स ये मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।